ये कहते हैं कि एक मस्जिद हमारे घर के करीब है, उसमें जो इमाम साहब है उनकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, छोटी दाढ़ी है, तो मैं घर में नमाज पढ़ूं या मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूं, क्या करूं? दिल चाहता है जमात से नमाज पढ़ने का, इमाम साहब की जब दाढ़ी मुबारका पे निगाह पड़ती है तो फिर दिल चाहता है घर पे पढ़े। देखिए इसमें थोड़ी सी तफसील है, मैं थोड़ी तफसील से अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ये फुकहा के नजदीक वाजिब है, यानी इस तरह इसको पकड़ लें जिसे फिर एक मुट्ठी के बाद आप तरशवा सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलकन फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें छोटी करो और यहूदियों की सूरत मत बनो। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कोई वईद बयान फरमा दें, सख्त जुमले इरशाद फरमाएं, तो ये किसी चीज के वजूब की तरफ इशारा होता है, कम अज कम सुन्नत मुअक्कदा तो वो चीज जरूर होती है। भारत फुकाहा ने वजूब का कौल इसमें लिखा है कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है। अब इसकी मिकदार सरकार ने बयान नहीं फरमाई, तो अब मिकदार की तलाश शुरू हुई। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों का अमल ये साबित है कि आप एक मुट्ठी के बाद दाढ़ी कटवा दिया करते थे, इससे कम मिकदार की दाढ़ी का जो है वो कौल मौजूद नहीं है। तो इसलिए इन दोनों हदीसों को मिला लिया गया कि दाढ़ियां बढ़ाना वाजिब और कम अज कम एक मुट्ठी होनी चाहिए। अब जब एक इमाम एक मुसल्ले पे खड़ा हो रहा है, ये मकाम ताजीम है, तो इसलिए फुकहा ने फरमाया कि अगर किसी की दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो गोया कि वो गुनहगार है, क्योंकि वाजिब तर्क कर रहा है, और तर्क वाजिब ऐलानिया तौर पे करने वाले को इज्जत के मकाम पे खड़ा करना यह असल में उसको गुनाहों पर दलेर करना है, इसलिए बेहतर नहीं है कि उसको इमामत के मकाम पे खड़ा किया जाए। इसलिए फुकहा ने फिर नतीजे निकाला कि जो खशखशी दाढ़ी रखने वाला है या बिल्कुल दाढ़ी साफ है उसकी इमामत नाजायज है, और उसके पीछे नमाज पढ़े तो गुनाह और लौटाना वाजिब है। ये एक तफसील है आम मुतलकन। अब हम थोड़ी कंडीशनल चीजें लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऑफिस में हैं और वहां ये तो ये मस्जिद का मसला है, मस्जिद का ये मसला है कि बहरहाल जुमा तो आप उनके पीछे पढ़ें, लेकिन जो आम पांच नमाजें उसमें कमेटी के जरिए आप दरखास्त करें इमाम साहिब से। मैं नहीं कहता हूं कि आप हाथ पकड़ के बाहर निकाल दें, उनसे गुजारिश करें कि आप अपनी दाढ़ी बादशाह पूरी कर लीजिए ताकि लोग बदगुमानी का शिकार ना हो और आपकी गीबत ना करें, लेकिन फिर भी अगर इमाम साहब मुसिर रहे तो जुमा तो आपने पढ़ना है उनके पीछे, बाकी नमाजों के अंदर आप फुकहा के कौल के मुताबिक जमात तर्क कर सकते हैं। करीबी दूसरी मस्जिद में जमात मिल जाए वहां चले जाएं, वरना आप घर पे ही पढ़ सकते हैं कि तर्क जमात के लिए उजर बन सकता है। एक सूरत ये होती है कि आप ऑफिस के अंदर हैं, वहां पे कोई बाशरा शख्स है ही नहीं है और कोई इमाम भी मुकर्रर नहीं है, अब वहां पे 8-10 आदमी है, सबके सब खशखशी दाढ़ी वाले हैं या बगैर दाढ़ी वाले हैं, तो क्या अब इमामत ना करें कोई भी अपने अपनी पढ़े? नहीं, बल्कि अब उनमें से कोई एक आध आदमी इमाम बन जाए, क्योंकि अब ये सूरत हाल नहीं है कि किसी एक ऐसे शख्स की ताजीम करना लाजिम आ रहा है कि जो फासिक या फाजिर है, क्योंकि अब सब एक जैसे हैं। वहां तो ये इम्कान है मस्जिद के अंदर के पीछे बहुत से दाढ़ी वाले होते हैं, इमाम खशखशी दाढ़ी वाला हो तो ये मुनासिब नहीं लगता है, इस वजह से वहां मना किया। लेकिन हम ऑफिस वगैरह में ये जरूर अर्ज करेंगे कि वहां पर जो आदमी इमाम बन जाए उसको बनने का मौका दे, बशर्ते कि वो मसाइल जानता हो, ये जरूरी है, ये नहीं कि मसाइल ही ना आते हों। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, जवाब ये चल रहे थे दाढ़ी के बारे में मैं कलाम अर्ज कर रहा था, तो ऑफिस वगैरह के अंदर चूंकि अगर सारे ऐसे ही हैं तो फिर एक आध आदमी इमाम बन जाए इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें खराबी ये है कि अगर हम ये हुक्म दें, मसलन एक ऑफिस है उसमें जोहर असर मगरिब तीन नमाजें होती हैं और हम कहें सबके सब बगैर जमात के साथ पढ़ें तो तर्क जमात की आदत पड़ जाएगी, और वहां पे चूंकि कोई बादशरा पीछे है ही नहीं, सब एक जैसे हैं, तो वो इमामत कर सकते हैं। एक और सूरत हाल है यूरोप कंट्रीज में, और इसके अलावा जो अरेबिक कंट्रीज हैं आजकल, वहां पे आप देखें कि दाढ़ी तो दूर की बात, बगैर दाढ़ी के और पैंट शर्ट के अंदर बाकायदा सूट बूट के अंदर इमाम साहब खड़े होते हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं। तो अगर वहां के लोगों को ये हुक्म दे दिया जाए कि जी आप जमातें तर्क कर दें, बिल्कुल ना पढ़े, तो फिर ये बहुत ज्यादा फितना फसाद है कि मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। तो वहां पर अगर कोई ऐसा इमाम नमाज पढ़ेगा पढ़ाएगा, वहां हम यही हुक्म देंगे कि ठीक है उसके पीछे आप नमाज पढ़ लें, नमाज हो जाएगी। अगरचे क्योंकि बाज़ों के अपने एक दलाइल होते हैं, वो अपने दलाइल की रोशनी में, वहां के जो अरब उलमा हैं बाज़ ने ऐसे फतवे दिए हैं कि वो उसके उनकी रोशनी में उस इमाम का इमामत करना जायज है, तो फिर ये बहुत सोच समझ के फैसला करना होता है। बहरहाल आपने जहां से कॉल की है वहां के माहौल के एतबार से यही है कि जो हमने शुरू में आपको तफसील अर्ज की है।